ठंडी तासीर वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट नजर आ रही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मुलाकात हुई। दोनों नेता शिमला के नामी होटल ओबरॉय सीसिल में मिले। इस मुलाकात ने एक बार फिर विस्तार की चर्चाओं को हवा देने का काम किया है। दरअसल बुधवार को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का जन्मदिन भी था और इस मौके पर उन्होंने बधाई देने के लिए कांग्रेस नेता होटल में पहुंच भी रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिमाचल आई हुई है। ऐसे में संभावित मंत्रियों की धुक धुकी एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंडी तासीर वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट नजर आ रही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मुलाकात हुई। दोनों नेता शिमला के नामी होटल ओबरॉय सीसिल में मिले। इस मुलाकात ने एक बार फिर विस्तार की चर्चाओं को हवा देने का काम किया है। दरअसल बुधवार को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का जन्मदिन भी था और इस मौके पर उन्होंने बधाई देने के लिए कांग्रेस नेता होटल में पहुंच भी रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की। इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिमाचल आई हुई है। ऐसे में संभावित मंत्रियों की धुक धुकी एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है।